आलू बैंगन की सूखी सब्जी एक बार इस तरह से बना कर देखिए, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा बैंगन लिया। बैंगन को पहले मैंने अच्छे से धो लिया है, अब हम इसे काटेंगे और काटने के बाद भी हम इसे धोएंगे। देखिए बीच में से इस तरह से चीरा लगाया है और इसमें बिल्कुल भी कीड़ा वगैरह नहीं है। इसके बाद हम बैंगन को इस तरह से टुकड़ा करेंगे, फिर छोटा छोटा करके काटेंगे। छोटा या बड़ा आप अपने हिसाब से भी काट सकते हो। सारे बैंगन को मैंने काट लिया है, साथ ही में 3 आलू लिया है और आलू को भी हमें इस तरह से छोटा छोटा करके काट लेना है। 3 आलू को मैंने काट लिया है। ये देखिए, फिर से हमें सारे चीज़ को अच्छे से धो लेना है। एक बड़ा सा प्याज को मैंने पतला स्लाइस कर लिया है और साथ में लिया है थोड़ी सी लहसुन, धनिया पत्ता, 1 टमाटर को मैंने इस तरह से काटा है, 2 हरी मिर्च लिया है और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। हरी मिर्च और लहसुन को हमें कूट लेना है। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। एक कढ़ाई ले लिया है और कढ़ाई को पहले हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। कढ़ाई अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। ऑयल में डालेंगे आधा सूखा लाल मिर्च और 1 चम्मच 5 फोरन। चाहे तो आप जीरा भी डाल सकते हो। 1 तेजपत्ती डालेंगे और कूटी हुई लहसुन और मिर्च डाल देंगे। गरम ऑयल के साथ में हम इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है क्योंकि हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और प्याज भूनते भूनते लहसुन और मिर्च भी थोड़ा भून जाएगा। प्याज को हमें अच्छे से मिला लेना है। जैसे ही थोड़ा सा पिंकिश कलर आ जाए, यानी थोड़ा पिंक कलर हो जाए, तो हमें इसमें आलू ऐड कर लेना है। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे और आलू के साथ में ही हमें प्याज को फ्राई करना है। 1 चम्मच नमक ऐड किया है ताकि प्याज जल्दी सॉफ्ट हो जाए और फ्राई हो जाए। इस तरह से हमें 4-5 मिनट भूनना है, गैस को हाई टू मीडियम में रख के। ये देखिए प्याज करीब करीब भून गया है। अब हम इसमें अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसे थोड़ी देर और भूनना है, करीब 2-3 मिनट भून लेना है। हमें ये ध्यान देना है कि जो मसाला है वो जल ना जाए। देखिए अच्छी तरह भून गया है, प्याज भी अच्छे से भून गया। अब हम गैस को लो फ्लेम कर देंगे और थोड़ी मसाला ऐड करेंगे। छोटा 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, छोटा 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, छोटा 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी और डाला है, 1 चम्मच पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। मिर्ची आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, क्योंकि हमने पहले इसमें हरी मिर्च ऐड किया था इसलिए हम इस समय कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया, ताकि इसका जो कलर है वो अच्छा आ जाए। अच्छी तरह हमने इसे मिला लिया है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और टमाटर को भी सॉफ्ट होने तक थोड़ा भूनेंगे। देखिए टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें बैंगन ऐड करेंगे। बैंगन पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और आलू को हमने प्याज के साथ में अच्छे से भूना है, तो आलू थोड़ा सॉफ्ट भी हो गया है। बैंगन डालने के बाद छोटा 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, अच्छी तरह मिला लेंगे इसे। मसाला के साथ में बैंगन को अच्छे से मिला लीजिए। इस समय गैस को हमें थोड़ा बढ़ा के रखना है, यानी हाई टू मीडियम में रख के इसे मिलाए। अच्छी तरह हमने इसे मिला लिया है। अब हम इसमें छोटा 1 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला ऐड करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। बैंगन पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसलिए मैं यहाँ पर 1 कप पानी ऐड किया है। अच्छी तरह मिला लेंगे इसे। अच्छे से मिला लिया है। अब हम गैस को लो मीडियम फ्लेम कर देंगे और इसे ढक के 5 मिनट तक पकने देंगे। फ्रेंड्स, अभी तक अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। 5 मिनट के बाद ढक्कन को हटाएंगे और पहले ही हम इसमें चम्मच नहीं डालेंगे। इसमें ऐड करेंगे छोटा 1 चम्मच भुनी हुई जीरा पाउडर और छोटा 1/2 चम्मच आमचूर का पाउडर। साथ ही हम डालेंगे कटी हुई धनिया पत्ता
सारे धनिया पत्ता हमने डाल दिया है। अब हम सब्जी को इसी के साथ में मिक्स करेंगे, क्योंकि सब्जी को आप पहले मिक्स करते हो फिर मसाला डालते हो तो सब्जी एकदम घट जाएगा, बहुत ज़्यादा लतपत हो जाएगा। मसाला डालने के बाद हमने इसे अच्छी तरह मिला लिया है। अब फिर से हम गैस को लो मीडियम फ्लेम कर देंगे और इसे ढक के थोड़ी देर पकने देंगे। थोड़ी देर के बाद सब्जी को एक बार चेक करेंगे, ढक्कन को हटाएंगे। देखिए बैंगन आलू अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, बहुत अच्छे से गल गया है। कम तेल में एक बार इस सब्जी को इस तरह से बनाकर खा के देखिए, सच में बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी सी धनिया पत्ता ऐड करेंगे उतरने से पहले, तो आलू बैंगन की सूखी सब्जी झटपट बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे ढक देंगे और गैस को बंद कर देंगे और फिर हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस आलू बैंगन की सब्जी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप इस सब्जी को एकदम जल्दी और झटपट बना सकते हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। बाय बाय।